तो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। नीट नहीं निकला तो एक ऐसा सवाल है जो कि हम सबके दिमाग में आता है। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इट इज नॉट एट ऑल टू डिमोटिवेट यू कि तुम्हारे जो लक्ष्य है MBBS उससे मैं भटकाऊं, नहीं। दिस इज समथिंग जो कि मुझे कई टाइम से सता रहा था कि यार उन बच्चों का क्या होता होगा जो कि नीट नहीं क्लियर कर पाते। देखो, हर साल 15-16 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं, जिनमें से कुछ अराउंड 20-30 हज़ार बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअल में MBBS सीट ले रहे होते हैं। बाकी सब बच्चे कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अगर आप मेडिकल फील्ड में ही रहना चाहते हो, मेडिकल में ही आप काम करना चाहते हो। तो क्या अगर आपका नीट में नहीं हो पाता है, मान लो MBBS में नहीं हो पाता है, तो क्या बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल टू डिमोटिवेट यू, इट इज जस्ट अ प्लान बी जो कि मुझे लगता है कि उन लोगों का होना चाहिए जिनको अगर क्लैरिटी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं अगर नीट नहीं होता है। तो देखो, MBBS के अलावा कई सारे ऑप्शंस हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि MBBS में तुम्हें कमा पाओगे, MBBS में तुम्हें इज्जत मिलेगी, बाकी ऑप्शंस में भी तुम्हारे को रिस्पेक्ट मिल रही होती है और अच्छा खासा मनी भी मिल रहा होता है। तो यहाँ पर तुम्हें लिस्ट दिख रही होगी जो कि सारे ऑप्शंस हैं जो कि बच्चे ऑप्ट करते हैं इन द सीरियल वाइज, मतलब कि सबसे पहले BDS ऑप्ट करी जाती है, फिर हमारा BAMS BHMS, इस तरीके से ये है। और एक एक चीज के बारे में आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले, अगर किसी बच्चे का MBBS में गवर्नमेंट सीट में नहीं होता है, तो दे गो फॉर प्राइवेट और अब्रॉड। नाउ प्राइवेट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस आर इवन बेटर देन गवर्नमेंट कॉलेजेस इन सम थिंग्स, लाइक उनकी फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। एंड इवन मैंने ये भी सुना है कि टीचर्स भी प्राइवेट में अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट में उतने अच्छे नहीं हो रहे होते हैं। बस एक चीज़ अगर कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट में ज़्यादा होती है, वो होती है पेशेंट लोड, जो कि प्राइवेट में कम हो रही होती है। तो दिस इज द थिंग। नाउ कमिंग टू अब्रॉड, कि आपको अब्रॉड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दिस इज समथिंग जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस पर मैंने भी कुछ वीडियोज बनाई थी इन द पास्ट, और एक बहुत बड़ा ही कुछ खड़ा हो गया था उस चक्कर में। देखो, लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, और द थिंग इज कि जो एग्जाम है वो अब सेम हो गया है सारे लोगों के लिए, चाहे वो बाहर से आ रहे हो, चाहे वो इंडिया के हों, जो कि है नेक्स्ट। मतलब अगर आपको डॉक्टर का लाइसेंस चाहिए तो आपको नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर करना है, भले आप इंडिया में पढ़ाई करिए आपने या भारत पढ़ाई करिए। सो द थिंग इज कि फॉरेन और इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए चीज़ें बिल्कुल लेवल अप सेम हो गई हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, दैट इज BDS। तो MBBS के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज बच्चे ऑप्ट करते हैं वो है BDS। नाउ BDS के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। सबसे पहले तो अगर आप ऐसे बच्चे जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, जिसको कई सारी क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो BDS इज फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको कि लाइक जो ऑपरेशन काइंड ऑफ जो भी होता है BDS में, कि दांत निकालना और इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस एक बैठ करके दवाई देने वाला सिंपल डॉक्टर बनना चाहते हो आप, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल इन BDS। आपको चीज़ें करनी होती हैं वहाँ पे। नाउ द थिंग इज, BDS के साथ एक और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। BDS अगर आप कर लेते हो तो देयर आर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ, क्योंकि BDS भरा पड़ा है। BDS इज फिल्ड विद सो मैनी डॉक्टर्स और जॉब बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर आपको जॉब करनी है तो BDS के बाद आपको MDS करना होगा या आपको MBA करना होगा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तब जाकर के आप कुछ वहाँ पर जॉब ले सकते हो किसी MNC में या किसी जगह, किसी हॉस्पिटल में, जिसका भी पे आपको अराउंड अच्छा खासा मिल पा रहा होगा। नहीं तो अगर आपको केवल BDS करके अगर मिल भी जाता है तो अराउंड 20-30 हज़ार होगा, जो कि एक काफ़ी मीडियम्स या लो साइज हम मान सकते हैं सैलरी का। अगर आप चाहो तो आप BDS के बाद खुद के प्राइवेट प्रैक्टिस खोल सकते हो एक ऐसी जगह पर जो कि थोड़ा सा थर्ड टायर सिटी होगी, जहाँ पे कि कॉम्पिटिशन नहीं होगा, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अराउंड 60-70 हज़ार जितना भी पेशेंट लोड होता है एक आपको। लेकिन वहाँ पे सेटअप करना होगा, खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है BDS में, तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि लाइक वहाँ पे तुम्हारे को लगभग 5 लाख लग सकते हैं एक अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट सेटअप बिठाने के लिए। BDS की खासियत ये भी है कि BDS इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मेडिकल साइंसेज लाइक MBBS BAMS BHMS, क्योंकि ये BAMS BHMS MBBS ये सब कॉम्पिटिशन है एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन BDS इज नॉट अ कॉम्पिटिटर टू एनीवन, वो अपने आप में एक बहुत अलग चीज है। नाउ कमिंग टू BAMS, मतलब कि आयुर्वेदा में अगर आप बैचलर डिग्री करते हो तो दिस इज समथिंग ऑल्सो कि आप कर सकते हो, और ये लाइक एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज के टाइम पर लोग थोड़ा सा एलोपैथी से डाइवर्ट होकर के नेचुरल तरीके से ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, और ये एक ऐसी साइंस है जो कि इमर्ज कर रही है और जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो BAMS के कॉलेजेस भी इंडिया में कई सारे तुम्हें मिल जाएंगे, उसमें एडमिशन भी तुम्हारा ईजिली हो जाएगा, एंड जितना हम सोचते हैं छोटा इसको, उतना छोटा ये है नहीं। अगर आप देखोगे MBBS में, आप जब इंटर्नशिप में जाते हो तो आपको अराउंड स्टाइपेंड मिलता है 12,000, अगर मेरी स्टेट में देखो, और मेरी सेम स्टेट में आयुर्वेदिक के बच्चे को 10,000 मिलता है। तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस, और बाद में भी तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी BAMS में। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने अपने एक दोस्त से बात करी जो कि BAMS में है, एंड वो
लाइक इतना खुश था वो, मतलब उनसे बता रहा था कि लाइक हमें लगता है कि MBBS ही सब कुछ है और MBBS के अलावा बाकी चीज़ें नहीं है, लेकिन BA MS में बहुत सारे नए नए चीज़ें आ रही हैं और देयर आर टू मैनी अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो हमें लाइक इन द मनी फॉर्म भी, हमें बहुत सारी चीज़ें BAMS में हमें मिलने वाली हैं। नाउ कमिंग टू BHMS समथिंग जिसकी कॉलेजेस बहुत ज़्यादा कम हैं, जिसका लाइक प्राइवेट में तुम जाओगे अगर तो अगेन फीस है वहाँ पर, और BAMS की वैल्यू भी बहुत कम है। इंडियन गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट नहीं कर रही है लाइक आयुर्वेदा, और ये चीज़ धीरे धीरे डाउनफॉल होती जा रही है। अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से BHMS करते हो तो तुम्हें इन द इंटर्नशिप बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर कुछ मिल रहा होगा, तुम्हें पेशेंट लोड वहाँ पर नहीं मिल रहा होगा, वहाँ पे बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो ये BHMS के थोड़े से डाउनफॉल्स पॉइंट हैं। एंड जिस वजह से BHMS आई डू नॉट रिकमेंड कि लाइक तुम्हें करना चाहिए, अनटिल अनलेस कि तुम्हारी फैमिली में ही BHMS डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, उनका अच्छा नाम है सिटी में, देन इट कैन बी योर गुड चॉइस, क्योंकि वहां से तुम एक अच्छा नाम बना सकते हो और अच्छा अर्न कर सकते हो। नाउ कमिंग टू वेटरनरी, तो ये ऐसी चीजें उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको जानवर पसंद है, और आज के टाइम पे तुम देख रहे होगी कि सिटीज में जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं एंड उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, वो इतना ज्यादा उनके करीबी होते हैं कुत्ते बिल्ली कि वो नहीं चाहते हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो, और वो कितना भी पे करने के लिए तैयार होते हैं, अमीर लोग होते हैं जो ऐसे पाल रहे होते हैं। तो तुम्हारे को लाइक पे फॉर्म में तो एक तुम अच्छा खासा तुम्हारा ऑडियंस बेस है, जो ऑडियंस तुम्हें मिल रही होगी वो अच्छी खासी कमाई करने वाली ऑडियंस है, जिससे तुम अच्छा खासा चार्ज भी करोगे तो मना नहीं करेगी, अनटिल अनलेस तुम अच्छा काम करके उनके पर्टिकुलर जो भी डॉग या बिल्ली है उसे अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रहे हो। इसके बाद एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर बहुत अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं। देख रहे होगी कि एग्रीकल्चर में हमें धीरे धीरे किस तरीके से हम लोग अपनी पैदावार उगा रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले समय में हमारे को बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और हमें कैसे ना कैसे करके प्लांट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है जिससे कि हम अच्छे से जी पाएं, ह्यूमन बींग्स अच्छे से खा पाएं और सस्ता खा पाएं। बिलीव मी, अगर तुम चाहते हो कि MBBS डॉक्टर बनना ही, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि BAMS BHMS चूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद नीट की तैयारी कर रहे होते हैं और उनका नीट में सिलेक्शन हो भी जाता है। इनफैक्ट मेरे एक बहुत करीबी एक दीदी हैं, उन्होंने क्या किया था कि लाइक उनका 2-3 अटेम्प्ट दिया, उन्होंने नीट में नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके बाद उन्होंने BAMS ले लिया, उसके बाद उन्होंने NEET 2020 का पेपर दिया, पता नहीं क्यों उन्होंने थोड़ा बहुत तैयारी करके 2-3 महीने में पेपर दे दिया और उनका सिलेक्शन लकली हो गया। मे बी द रीजन मे बी कि उस साल काफी सारी सीट्स भी बढ़ गई थी, उस साल कुछ बहुत सारी चीजें हुई थी जिस वजह से एक लक फैक्टर भी हो गया था और चीजें भी हो गई थी कि वो बन गई बात। तो दिस इज समथिंग कि यार ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाना है, अगर तुम इन ऑप्शंस को भी ले लेते हो एक बार नीट का ट्राई मार के देखना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ये भी एक अच्छे ऑप्शंस हैं, और कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। आजकल तुम देख रहे होगे कि चाय वाले भी जो होते हैं, चाय बनाने वाले भी लाखों करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, तो यहाँ तो तुम एक डॉक्टर बन रहे हो तो तुम कितना कमा सकते हो। एक BDS डॉक्टर भी होता है तो वो भी बहुत अच्छा कमाता है अगर उसका स्किल अच्छा है, एक BAMS BHMS भी अच्छा कमाता है अगर उसका स्किल अच्छा है, क्योंकि द पब्लिसिटी जो तुम्हारी हो रही होती है वो ये होती है कि यार ये डॉक्टर ठीक कर देता है, एंड जो लोगों से पब्लिसिटी तुम्हारी होगी उससे बड़ी पब्लिसिटी कोई नहीं हो सकती और उससे बढ़िया चीज़ तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती, तो तुम्हारे को अपने काम पे आना चाहिए। नाउ कमिंग टू नर्सिंग, तो नर्सिंग भी तुम लोग कर सकते हो, नर्सिंग इज समथिंग की लाइक डॉक्टर के साथ तुम मदद कर सकते हो उनकी, यहाँ पे फीमेल थोड़ा प्रेफर्ड होती हैं ओवर मेल, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद बी फार्मा तुम कर सकते हो, मेरे एक दोस्त का भाई है वो बी फार्मा कर रहा है एंड उसको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिला है आफ्टर कम्प्लीटिंग बी फार्मा फ्रॉम दिस मेरा छोटा सा शहर ग्वालियर, एंड बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है बी फार्मा में, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ हैं हम डॉक्टर्स दे रहे हैं लेकिन बी फार्मा वाले बना रहे हैं, तो अगर आप एक अच्छी दवाई बना लेते हो तो द अमाउंट ऑफ मनी यू विल बी अर्निंग इज काउंटलेस, मतलब बस दवाई बना के रखनी है और जिंदगी भर के लिए तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते होगे, ये लेवल ऑफ थिंग है बी फार्मा के अंदर। नाउ कमिंग टू लास्ट थिंग, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो ये सबसे लास्ट में चूज करा जाता है, एंड ये एक बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हो रिसर्च बेस्ड चीज है तो ठीक ठाक इसमें पे है, मतलब लास्ट का ही मान लो, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो ये भी इसमें ठीक ठाक चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वीडियो का मोटिव ये था कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि यार और भी चीजें तुम देख सकते हो, कर सकते हो अगर तुम्हारा MBBS नहीं हो पाता है, पर हमें फोकस पूरा MBBS के ऊपर करके चलना है, और इसके रिगार्डिंग पूरा मटेरियल सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आता रहता है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, अगर लिंक काम नहीं करते तो बस टेलीग्राम पर पार्थ गोयल ऑफिशियल सर्च करना, बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पर डाला हुआ है, तो तुम्हारे को सब कुछ वहां पर मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।